मोदी और योगी जी की चिंता करती है, क्योंकि भाइयों इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मोदी जी को पुनः हमें देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव से पहले का रिहर्सल ये चुनाव है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहन रानी देवी को इस वार्ड से और श्री विनोद अग्रवाल जी को मेयर के लिए वोट देके अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। महानगर मुरादाबाद के वार्ड 44 से एक बार फिर भाजपा हाईकमान द्वारा पूर्व पार्षद रानी सैनी पर पूरा भरोसा जताया है। भाजपा पार्षद रानी सैनी के निज निवास स्थान पर नगर विधायक रितेश गुप्ता ने विद्वान आचार्य द्वारा पूर्ण वैदिक मंत्रों उच्चारण करते हुए नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर विधायक रितेश गुप्ता के साथ ही वार्ड 44 की भाजपा पार्षद रानी सैनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रानी सैनी पार्षद रानी जी आज किस चीज का उद्घाटन हुआ है आपके यहाँ पर? आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मान्य हमारे विधायक जी रितेश गुप्ता जी ने करा। अच्छा, आपके बात की क्या क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है। आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करा गया है वार्ड में? वार्ड में सड़कें हो या पानी की कोई वो तो पाइपलाइन बिछी है, सड़कें बनी हैं, ट्यूबवेल लगे हैं और 10,000 वाले जो लोन है वो दिलवाए हमने, आवास का है वो दिलवाए। अच्छा, अगर कोई भी पब्लिक को परेशानी है वो उसकी पूरी हुई। किस पार्टी से आपको सिंबल मिला है? बीजेपी से। अच्छा, लगभग क्या आपकी आपकी वार्ड प्रत्याशी आप कितना कार्य आपने अब तक करा दिया है? मैंने लगभग नगर निगम से हमारे विधायक नगर निगम से भी काम हुआ है, विधायक जी ने भी काम कराया, मंत्री जी ने काम कराया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमारे काम कराया है, उपेंद्र जी ने, लेकिन कम से कम 20 करोड़ रुपए का काम हुआ है। कितने लाभार्थियों को आपका लाभ मिल चुका है? कितने लाभार्थियों को आपकी तरफ से काम मिल चुका है? जो लाभार्थी हैं तो कम से कम 400-500 लोगों को लाभ मिला। अपने बाट की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं बाट की जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि पुनः मुझ पर विश्वास जता के पुनः मुझे जिता के भेजें और भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजें, कमल के फूल का सामने वाला बटन दबा के और रानी सैनी को दोबारा से विजयी बना के भेजें और बात जैसे पब्लिक कहेगी उसकी बात पर खरी उतर पब्लिक के सामने। लगातार आप प्रत्याशी रही हैं, आगे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे मुझे पहले पब्लिक ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, दोबारा पुनः विश्वास जताए और दोबारा पब्लिक के बीच आऊंगी, दोबारा काम कराऊंगी पब्लिक। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्षद पद की प्रत्याशी श्रीमती रानी सैनी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में बहन रानी सैनी जी को क्षेत्र की जनता यहाँ आशीर्वाद देने आई है और आपने देखा कि सब में बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता आज बहन रानी सैनी जी को यहाँ आशीर्वाद देने आई है। मैं इस मौके पर सभी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रानी सैनी जी को ऐतिहासिक पदों से विजयी बना के भेजेंगे और साथ ही साथ हमारे मेयर पद के प्रत्याशी से विनोद अग्रवाल जी को भी ऐतिहासिक मत इस क्षेत्र से मिलेगा और ऐतिहासिक